हेलो दोस्तों, आज हम देहरादून शहर और आज मैं आपको दिखाऊंगा देहरादून की ऐसी 3 अंडररेटेड जगह जहां आपको जाना ही चाहिए। Many roads can take you there, many different ways. One direction takes you years, another takes you days. मसूरी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू कैन विजिट इन देहरादून। सब देहरादून से नज़दीक भी देख सकते हैं, मेरे पीछे है देहरादून और मेरे इस तरफ है मसूरी। रोपवे, ये रोपवे आपको भट्टा फॉल तक ले जाएगी। बाकी मसूरी तो आपने देखा, ये चीज़ आज थोड़ी नई है। यहाँ पर आप रोपवे पे ट्रैवल कर सकते हैं। ये रोपवे आपको नीचे वहाँ तक ले जाएगी, वहाँ तक ले जाएगी। फूड, मैगी, चाय एंड लोकेशन उत्तराखंडी फूड, पहाड़ी मैगी, असली असली पहाड़ी मैगी। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं शिव मंदिर में। देहरादून की बहुत फेमस जगह है। भगवान शिव का बहुत सुंदर मंदिर है और काफ़ी मान्यता भी है इसकी। ये देखिए हनुमान जी। Take the next right. ये अपने हिसाब से दिखाता है यार, ये इसको क्या पता आर्मी वाला एरिया है। तो दोस्तों, आपको अगर आना है रॉबर्स केव तो ये पानी की टंकी है। इस टंकी के पास आके आप ढूंढ सकते हो कि आपको कहाँ जाना है। जैसे हमने एक चक्कर यहाँ का लगाया, गाड़ी हाँ, ये टूटी फूटी सड़क तो दिख रही थी मुझे। बैठे दिख रही है यहाँ पे, आइए चल के देखते हैं कैसे। तो गाइस, हम अपनी अगली डेस्टिनेशन बुच्चुवानी में आए हैं।
किसी लोकल दोस्त से सुना था यहाँ के बारे में, बहुत सारी नीला नीला पानी देखा था यूट्यूब पे। जाके देखते हैं कितनी सीनिक ब्यूटी मिलती है यहाँ पे। एक फैमिली स्पॉट है, आप यहाँ आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों के लिए यहाँ पार्क है, कुछ झूले झूले हैं, तो आप बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो। छुट्टी के दिन टाइम स्पेंड करने के लिए। बाकी जिसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो एक केव है जिसके नीचे से पानी निकल रहा है। किसी दोस्त ने बोला था यहाँ आओगे तो शॉर्ट्स और चप्पल पहन के आना, इसलिए हम पूरी तैयारी से पहले से आए। Thank you.